नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कुशीनगर के दुदही शिव पार्वती मंदिर परिसर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास हो रहा है, आप लोगों के बीच इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हर वर्ग के लोगों के लिए सोचते हैं और उनका विकास करते हैं। इसके साथ ही मंत्री ने दुदही में मनोज कुंदन के साथ कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की रूपरेखा तैयार कर एक कार्यक्रम भी कराया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। हरदोई में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पत्थरबाजी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी के प्रवक्ता घटिया बयानबाजी करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा ने अगर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई कर दी होती तो ये दंगा और पत्थरबाजी नहीं होती। पैगंबर पर गलत टिप्पणी करने वाले नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया होता तो कोई भी ऐसी घटना प्रदेश में ना ही घटित होती और ना ही प्रदेश को ये सारी घटनाएं देखनी पड़ती। सबसे पहले तो नूपुर शर्मा जो जिन्होंने आग लगाई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होने की वजह से सरकार ने उस पर अगर कार्रवाई कर दिया होता और जो एक उनके साथी हैं दोनों पे अगर मुकदमा लिख के उनको जेल भेज दिया होता तो कल की कोई घटना नहीं होती। कल की घटना की डिमांड तो वही ना है कि इनके खिलाफ़ मुकदमा लिख के जेल भेज दो। सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। एक तो गलती ये उन्होंने किया जिन्होंने बयान आग उगला, दूसरे जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया तो उनके खिलाफ सरकार काम कानूनी कार्रवाई करे लेकिन निर्दोष को परेशान न करे। पूरे देश में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर जनाक्रोश विशेष समुदाय की ओर से देखा जा रहा है, तो वहीं अब आगरा में हिंदू समाज भी नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि जब मुस्लिम समाज के लोग हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहते हैं तब कोई कुछ नहीं कहता है। वही लोगों ने हरि पर्वत थाने के अंतर्गत पीताम्बरा मंदिर में आई सपोर्ट नुपुर शर्मा के पोस्टर लगाए। हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि बेटी नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा, इसलिए हम नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे हैं। तो खबर इस वक्त ताज नगरी आगरा से सामने आ रही है जहां पर आई सपोर्ट नुपुर शर्मा के पोस्टर लगाए गए। इस दौरान हिंदू समाज ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि जब हमारे धर्म के हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द कहे जाते हैं तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। मैं इस पोस्ट के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि भारत की नारी का अगर अपमान होता है तो हिंदू समाज चुप नहीं रहेगा, हिंदू समाज उठकर आएगा। और भारत की नारी का अपमान हुआ है, हम लोग उस नारी के सम्मान में खड़े हुए हैं और हमने आज देखा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के द्वारा नुपुर शर्मा जी की पोस्टरों पे पेशाब करवाई जा रही है। क्या ये अपमान नहीं है? उनकी फांसी लगाई जा रही है, ये अपमान नहीं है? क्या आप भारत का कानून हो गए हो? इस तरीके के कहते हैं आप, खुद ही निर्णय लोगे? अगर पाकिस्तान में मंदिर टूटता तो मुस्लिम समाज का एक भी व्यक्ति उस मंदिर तोड़ने का विरोध नहीं करता है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, इनके ये नेता जब बोलते हैं तो इनमें से कोई नहीं बोलता है। आज ही ये क्यों उल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भाजपा की सरकार, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस सरकार हरदोई में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार पूरे देश में गरीब कल्याण जनसभा आयोजित कर रही है जिससे गरीबों के हित में चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी जा सके। इस दौरान जनपद में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भी केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल चुने हुए मुख्यमंत्री अत्याचारी शासन चला रही है, उन्हें आईने में खुद को देखना चाहिए, हिंसक प्रदर्शन पर उन्हें बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। चुने हुए मुख्यमंत्री के रूप में ममता जी जिस तरह का अत्याचारी शासन चला रही हैं, उन्हें किसी भी ऐसे चीज बयान देने का नैतिक अधिकार नहीं है। पहले वो अपने आईने में झांकें, अपने गिरेबान में झांकें और बंगाल में उनकी पार्टी के विरोध में मत देने वालों पर क्रूर अत्याचार बंद करें। मैं आपके माध्यम से यही सलाह दूंगा।
सर, नुपुर शर्मा जी के बयान के बाद जिस तरीके से जुमे के बाद जो है पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, लोग मांग कर रहे हैं कि जुमे की नमाज बंद होनी चाहिए, क्या सोच रहे हैं? देखिए, हर एक को अपने धार्मिक कार्य करने की पूरी आगामी त्यौहार और कानपुर में हुई हिंसा के बाद अब अलीगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एडीएम सिटी ने ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी है। जानकारी देते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार पाटिल ने बताया कि आगामी त्यौहार बकरीद, मोहर्रम, रक्षाबंधन को देखते हुए जनपद में धारा 144 लागू की गई है और इलाके की शांति व्यवस्था को भंग नहीं किया जाएगा, इसलिए टीम अलर्ट पर है। धारा 144 लगने के साथ ही लोगों से नियमों का पालन करने की भी इस दौरान अपील की गई है। खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां आगामी त्यौहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए एडीएम सिटी ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही लोगों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी जनपद में कानून व्यवस्था बनाने को लेकर प्रशासन का सहयोग करें। आपको बताते चले कि बीते दिनों कानपुर और तमाम अन्य जनपदों से हिंसा की खबरें आई थी, जिसको लेकर अब अलीगढ़ प्रशासन कोई भी चूक नहीं करना चाहता है, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने पूरे जनपद में धारा 144 लागू कर दी है। संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र में 3 महीने पहले हुई 22 साल के युवक की मौत के कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन लिया गया है। आदेश पर एसडीएम की मौजूदगी में रसूलपुर में बने कब्रिस्तान से शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दरअसल पहले युवक की मौत की वजह बदहजमी बताई गई थी, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मुरादाबाद अदालत का दरवाजा खटखटाया और अपने बेटे के शव की पोस्टमार्टम कराने की मांग उठाई थी। अब कोर्ट ने मामले में आदेश दिए हैं, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संभल से हमारे संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं। मुबारक, क्या कुछ ये पूरा मामला इस वक्त निकल के सामने आ रहा है? आपको बता दूं, जनपद संभल के थाना यातनगर रसूलपुर के जो परिजन जो यहाँ की ससुराल थी, ससुराल जो पागवड़े का रहने वाला पागवड़ा थाना क्षेत्र पड़ता, तो उसमें उनके परिजनों ने उसमें अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उसमें जो अपनी बहू पे जो आरोप लगाया है, जहर देने का आरोप लगाया है, और बहू से हमने बातचीत करी है, तो बहू ने बताया उसमें ये झूठा मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है। और जो आईटीएम और सीओ साहब और यहाँ पे थाना यातनगर पुलिस मौके पर मौजूद थी, तो सब निकाला गया था। मुबारक, अगर देखा जाए तो इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, तो उन्होंने किस पर संदेह जताया है हत्या को लेके? अपनी बहू पर हत्या का संदेह जताया है उन्होंने, और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब मुबारक, अब जैसे पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है, तो उसकी रिपोर्ट कब तक सामने आ जाएगी? उसमें देखो, 2 या 3 दिन के अंदर सामने रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन मुबारक, अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला 3 महीने पहले का बताया जा रहा है, तो आखिर इतना लंबा वक्त प्रशासन को क्यों लगा इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए? उसमें अदालत में जो दोनों का दरवाजा खटखटाया अदालत का, तो अदालत में उसमें टाइम लगता है, टाइम लगने के बाद में 3 महीने के बाद जो उनके जो पूरे नोटिस जारी हुए हैं, और उसका उसके बाद उसको सब कल सब निकाला गया है। सब निकालने के बाद में जब उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जो उन्होंने अपनी दो पर इसका हत्या का शंका जताया गया और जहर देने का आरोप लगाया है। धन्यवाद मुबारक अली इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाहजहांपुर के कैंट स्थित शहीद संग्रहालय पर अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के 125वीं जयंती समारोह और अमृत यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रण ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान अतिथियों में अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शहीद संग्रहालय में शहीदों की अमर गाथाओं का अवलोकन किया। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी पले बढ़े हो, जहां उन्होंने समय गुजारा हो, वहां पे हर भारतीय को अपना श्रद्धा से एक हम इतने ज़्यादा उनके ऋणी हैं कि आज जो देश आज़ाद है, हम सब कुछ जो बात कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो सब ऐसे ही देशभक्तों की वजह से है।
तो सबसे पहले तो मुझे उस देशभक्ति का जो मैं सोचता हूँ आप लोगों को भी वो जज्बा आ रहा होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये जो सरफरोशी की तमन्ना जो प्रयागराज के यमुना पार घोरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा देवरिया के मनकवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक को दो युवकों ने मिलकर गोली मार दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है, जहां पर युवक का इलाज किया जा रहा है। वही पुलिस अधीक्षक यमुना पार सौरभ दीक्षित के मुताबिक घायल युवक की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। वही पुलिस ने शिकायत के बाद दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और अभियुक्तों के दो साथियों की भी पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है। ग्राम देवरिया से एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के मिलते ही तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस बल तथा अन्य उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचे। वहां पर जो अभी तक की पूछताछ में बात निकल के आई है कि ये दो परिवारों के बीच का मामला है, जो कि जिनके घर अगल बगल के ही बने हुए हैं। वहां पर एक परिवार द्वारा अपने मिट्टी के घर जो कि गिर चुका था, उसी घर पे पुनः निर्माण कराया जा रहा था और एक आध फीट आगे पीछे करने के लिए दोनों परिवारों में कुछ विवाद हो रहा था। जिस पक्ष को गोली लगने की सूचना है, उनके घर में आज शादी भी थी, वहां पे एक बारात जाने वाली थी, उस बारात के लिए ही लोग नाच गाना भी कर रहे थे। इसी बीच जो आरोपी पक्ष है, उनके तरफ से कुछ लोगों ने आके आपत्ति की और उन्हीं की तरफ से दो लोगों ने इसमें से फायरिंग कर दी, जिससे कि मौके पर एक व्यक्ति अभिमन्यु पटेल, उनके सिर में कुछ छर्रे लगे हैं, उन्हें तत्काल चिकित्सकीय इलाज के लिए औरैया में अधिकारी सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। दरअसल एरवाकटरा थाना परिसर में समाधान दिवस की तैयारियां की गई थी, लेकिन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। खानापूर्ति के लिए महज दो राजस्व लेखपाल और कानून को ही मौजूद रहे। थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने पूछा तो राजस्व लेखपाल बचते हुए दिखाई दिए, साथ ही थाना दिवस के मौके पर आए राजस्व और चकबंदी से जुड़े फरियादियों को वापस ही जाना पड़ा। मुरादाबाद में बीती 3 जून को बिलारी कोतवाली के ग्राम तेबर खास में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसको देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया था और उसकी सूचना तुरंत खेत मालिक को दी गई थी। खेत मालिक दिलशाद ने संबंध में कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कटघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वही पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले का खुलासा भी कर दिया है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने इस दौरान बताया कि मृतक महिला के मुख्य आरोपी मोतीराम से अवैध संबंध थे और इसी वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कटघर पुलिस को एक लड़की ने आके ये कंप्लेंट की कि उसका एक सौतेला पिता उसके घर में आके उसकी माँ से मारपीट कर रहा है। उसकी जो लड़की थी, उसकी नानी ने भी यही शिकायत की कि वो बदमाश किस्म का आदमी है। पुलिस ने जाके उसको मौके पर देखा, उस व्यक्ति को वहाँ से जब पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई, तो एक दूसरी घटना का एक सनसनीखेज खुलासा उसके द्वारा किया गया। उसने बताया कि जो बिलारी में महिला जिसकी डेड बॉडी मिली थी, उसका नाम पूजा था और उसकी इसने अपने दो अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।